वही 26 अप्रैल को गरियाबंद जिले में मतदान होना है, जिसके लिए 1340 मतदान पीठासीन अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने कहा कि सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीन की गतिविधियों को स्वयं संचालित करके देखें, साथ ही प्रशिक्षण सामग्रियों का अच्छे से अध्ययन करें, जिससे सभी निर्वाचन प्रक्रियाओं की जानकारी कंठस्थ तरीके से रहे। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति में प्रशिक्षण में मौजूद मास्टर ट्रेनर से तत्काल प्रश्न पूछकर अपना डाउट क्लियर करें। आपको बता दें, कलेक्टर ने सभी प्रशिक्षण कक्षों में शामिल मतदान अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे ग्रुप में प्रशिक्षण से संबंधित सूचना और नवीनतम जानकारियों को साझा किया जा सके। आज जो है हमारा जो लोकसभा निर्वाचन 2024 जो होना है, तो आज हमारे पहले चरण का प्रशिक्षण था, जिसमें हमारे 3 केंद्रों में लगभग 36 कमरों में ट्रेनिंग आयोजित की गई थी, जिसमें पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था और उनको विस्तृत रूप से उनको प्रशिक्षण दिया गया है। लास्ट में उनका टेस्ट भी लिया गया है ना, तो इसलिए उनको शुरू से ही निर्देश दिया गया है कि जो निर्वाचन एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें समय का विशेष ध्यान रखें, निर्देशों का अनिवार्यता जो है पूर्णतः पाठन करें, उसके निर्देशों के अनुरूप ही इसमें कार्य करें और समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। जो अनिवार्य चीज़ें हैं जिनको हमको भूलनी नहीं है, उन चीज़ों को बार बार जो है देखें और उन चीज़ों को याद रखें। क्या अनुपस्थित लोगों को नोटिस वगैरह जारी करें? जरूर, टोटल लगभग 8 या 9 लोग अनुपस्थित हैं, उनको नोटिस जारी कार्रवाई की जाएगी।